ओम शांति। आपका प्रश्न है सृष्टि अनादि है तो फिर आकाश क्यों फैलता जा रहा है, कौन फैला रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। सृष्टि अनादि और अनंत है। ये शब्द याद रखना है। दूसरा शब्द याद रखना है सृष्टि चक्र। उसका आदि और अंत है। और सृष्टि चक्र कंटिन्यू ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। ऑटोमेटिक जैसे रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, अनादि काल से चलता आ रहा है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अनंत काल तक चलता रहेगा। सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने के बाद महीना, साल के बाद साल, युग के बाद युग, कल्प के बाद कल्प, अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे ये फिक्स है, एक रात और दिन 24 घंटे के हैं, साल 365 दिन का है, इसी प्रकार से कल्प भी 5000 साल का है और हर सर्कल अगले सर्कल के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। अब आप देखते हैं कि साल का आरंभ होता है ठंड से, धीरे धीरे मार्च में आकर मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, जून जुलाई में जाकर के मौसम मई जून गर्मी में हमें दिखाई दे रहा है कि गर्मी आ गई, बरसात आ गई और धीरे धीरे फिर वही ठंड। इस ड्रामा को हम जानते हैं कि एक साल बाद ये ऋतुएं इसी प्रकार से परिवर्तन होंगी, इसलिए हम कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करते। क्योंकि ये जीवन, हमारे जीवन सोपान के अंदर कई बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार ये ऋतु परिवर्तन हमारे सामने हो जाता है। परंतु ये 5000 साल का ड्रामा यह हमारी स्मृति में नहीं था। या परमपिता परमात्मा ने परम धाम से आ करके 5000 साल के ड्रामा की सारी स्टोरी समझाई है। और कितना वंडरफुल वंडरफुल एग्जांपल बाबा हमें देते
विशेषता हमें समझाते इस ड्रामा की, जो दो शब्दों में आ जाती है, एवरीथिंग न्यू इन वर्ल्ड ड्रामा सर्कल एंड नथिंग न्यू इन वर्ल्ड ड्रामा कंप्लीट। सृष्टि चक्र में एवरी एक्शन विल बी न्यू, नया होगा। हर एक्शन, हर कर्म रिपीट नहीं हो सकता। जो एक्शन हुआ है वो 5000 साल बाद रिपीट होगा, इसलिए नथिंग न्यू। एक चक्र में एवरीथिंग न्यू, बट वर्ल्ड ड्रामा में नथिंग न्यू। आज आकाश फैल रहा है, इस कल्प में पहली बार फैल रहा है। आपने ये प्रश्न मेरे से पूछा है, ये इस कल्प में पहली बार पूछा है, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। ठीक 5000 साल पहले इसी सेकंड पर यह क्वेश्चन आपने पूछा था, आकाश इसी प्रकार से फैलता हुआ आपको दिखाई दिया था। और जो उत्तर अब आप सुन रहे हो, यही उत्तर 5000 साल पहले भी आप सुन रहे थे। ये कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, इसका ड्रामा में एक्यूरेट रोल है। ड्रामा में कोई भी एक्शन, कोई भी आत्मा एक सेकंड लेट या पहले नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ऋतुओं में आगे पीछे हो जाएगा, परंतु यहां आगे पीछे नहीं हो सकता, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। ये नियम याद रहता है तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। ज्ञान सागर परमात्मा आकर समझा रहा है, समझना आपका और हमारा हक है। आप प्रश्न नहीं करेंगे, हम मंथन नहीं करेंगे, हम आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा। पांच हजार साल पहले इस समय ये आकाश ऐसे फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारे साधन, हमारे दूरबीन्स बहुत अच्छी और अच्छी और अच्छी होती गई, होती जा रही है। अब हम और दूर तक देख सकते हैं उन दूरबीन्स के माध्यम से। परंतु हम नहीं देख सकते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आकाश छोटा था। आकाश तो जितना था उतना है, उससे बढ़ नहीं सकता।
घट भी नहीं सकता। जो चीज जहां है, जैसी है, जितनी है, उतनी रहनी है। केवल परिवर्तन दिखाई देगा। कोई फैला नहीं रहा इसको, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब अपना अपना एक्यूरेट कर रहे हैं। और अंतिम नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। इसी के साथ सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। और विस्तार से समझना हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।